हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे। अदाबर्ज है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से है, मजे में है ना? एक तो ये जो विकेट से यहाँ पे खड़ी हुई है, ये रिश्ता रोक देती है मेरा बहुत बुरी तरीके से। सबको बताती चलूँ सबसे पहले कि कल हमने बहुत जश्न मनाया था हमारे सेट पे, क्योंकि जो औरतों की क्रिकेट टीम है वो जीत गई थी इंडिया से। और जैसे कि सब जानते हैं कि कल से पहले जो दिन था उसमें हम लोगों ने बहुत बुरा सोग मनाया, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे थे इंडिया से। होता तो है, जब आप हारते हैं तो बहुत दुख होता है, जब आप जीतते हैं तो बहुत खुश होते हैं, मगर जब गेम्स की बात होती है, कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता है, उसी तरह से एक बार हम हारे तो एक बार हम जीते, मगर खुशी कल इस बात की थी कि औरतों की टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से खुशी से बुलंद किया कि हमने, मतलब हम औरतों ने जो है वो जितवाया हमारी टीम को, हमारी औरतों की क्रिकेट टीम को, और इंडिया को हमने दी शिकस्त। और आज भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि कल जो मैच हुआ वो पाकिस्तान ने जीता, और सिर्फ पाकिस्तान ने वो नॉर्मल मैच नहीं जीता, बल्कि कल का जो दिन था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी डे था, क्योंकि सिर्फ अगर पाकिस्तान जीत भी जाता तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा था, जब तक या तो इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाता, या फिर बाद में जो उनका वो मैच हुआ उनका मिनिमम टारगेट था 122। साउथ अफ्रीका को 122 मिनिमम स्कोर बनाने थे, तब पाकिस्तान जो था वो क्वालिफाई करता था। एनीवेज, ये भी कहती चलूँ कि दैट वाज अ वेरी नाइस प्ले और डे फॉर अस, कि साउथ अफ्रीका ने 122 का जो स्कोर था उसे क्रॉस किया, और हमारी एंट्री को अगर हम कहें तो किसी हद तक थैंक्स टू साउथ अफ्रीका के हमारी एंट्री को आसान कर दिया। और इंडिया टीम का जो एक इमोशनल सीन था वो सब आपने देखा, सारे कल देख रहे थे बैठ के टीवी के आगे। एनीवेज, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करना चाहती हूँ आज अपने पूरे शो पे, क्योंकि कल किसी हद तक मार्केट में भी सुनने में ये आ रहा था कि ये जो बड़े पैमाने पे जुआ लगता है, ये जितने भी सट्टेबाज लोग हैं उसमें अच्छी खासी इस मार्केट में हलचल मची रही, जो रेट्स थे वो अनएक्सपेक्टेड थे कुछ, क्योंकि हमारी टीम की एक देख सकते हैं आपके वो एक ऐसी प्रोग्रेस थी कि वो ऐसा खेले कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे ना कि ये हार गए, इनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, तो कल के मैच में हमें लगा कि उन्होंने हमारी तमाम बातों का जवाब हमें प्रैक्टिकली दे दिया और ख़ुद बहुत अच्छा काम किया। तो अच्छा हुआ ना, एक दिन अगर हम लोगों ने दुख का इजहार किया, हमने फ़ाइट किया, हम उनको बुरा भला भी बोला, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं तो उसी से शिकायत रखने का हक भी रखते हैं। तो ये हमारी टीम है, इनको हमने हीरो बनाया, इनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर हम इनको हीरो बना सकते हैं, इनसे प्यार करते हैं, लाड करते हैं, तो उसी तरह हमारा हक है कि हम इनसे शिकायत भी कर सकते हैं। तो और हमने उनसे शिकायत की तो उन्होंने हमारी शिकायत का हक अदा किया, उन्होंने शिकायत को दूर कर दिया और एक ज़बरदस्त मैच खेला। और हमारी दुआ है कि कल जो मैच होने जा रहा है श्रीलंका के साथ, इसमें देखते हैं कि अब क्या बनता है, हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पता नहीं कितने अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुनिए, मेरा बंदा को आज क्या, मेरा
आज हम मैं हम कल हारे नहीं है, हम विकटों को गिरा नहीं सकते, हमारा सर नुबू नहीं हो सकता। ऐ नहीं होया विकटे, अल्लाह माफ करे, मैं गिराना नहीं कौन है, अल्लाह पाक ने ऊंचिया रखे हैं, परवरदिगार ने मेरा बंदा गुआच गया। अरे मेरी बात तो सुन ले, खाली है। अरे मेरी बात तो सुन ले, बताओ। अरे मेरी बात तो सुन ले, आपने मेरी भूत पकड़ी? नहीं भूत क्यों, मैं मेरी ऐसी मजाल, मेरा बंदा तो नहीं देखा। अभी बताती हूँ, देखो देखो कौन है। आंटी हाय, चाय पी रही, सुबह सुबह उठी है वो, देखे उनकी बेटी है बराबर में, उनको क्या देखूं मैं, मेरा बंदा को आज गया तो मैं किसके साथ गुजारा करूं? पता जब से पाकिस्तान जीते ना, मिसेस शाहिद देख रही है, मिसेस कामरान देख रही है, लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, मैं यहाँ पर मॉर्निंग जा रही हूँ, मॉर्निंग है। खुदा के वास्ते मेरा बंदा लगा दे, रिलैक्स, तेरी मेहरबानी, मेरे को एक बंदा भी गुआच गए। तेरी खैर होवे, आप फिर आ गए, चढ़ जाने वाली है, बाबा माफ करे, और कॉल हार के ते प्यार नु पुलाने वाली है। ऐसा मैंने मना ले नहीं, आपके मुंह बोले मियां, मुंह बोले, कहां रह गई थी तुम? मैं थे लपड़ खपन गई तनु सियापिया किते प्यार में, कल से हम जीते हैं, हाँ। इसका बेड़ा गर्क हुआ है। देख जब से हम जीते हैं ना, देखा ना फिजा, मैंने कहा था पाकिस्तान जीते ही जीते, क्या बात है, जीत गया आज ये। इसकी जुबान जो है ना बड़ी लकी है इस मामले में, जिसको कहते हैं ना जीत, जो वो जीत जाता है, क्या बात है। सारे सारे जितनी जितनी गेमें खेलेंगे ना जीतेंगे, ठीक है। तू तेरा बेड़ा गर्क होएगा, तू मनुसा, तू फटा उठाया तो जीते हैं। जब से तूने फटा लगाया था ना, हूं और पिंडिया लाल है, जितना ये मनहूस फटे ना मेरा दिल करता है इसके ऊपर मैं बर्फ लगा लूं, गोल गप्पे बेचूं, तू जो कुछ मर्जी बेच, लेकिन मैं ना कलाम ना करी। आज आज कितने खुशी का दिन है, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, और टेलीफोन छोड़े हैं तो जीते हैं। अच्छा ये क्या, क्या बाबू पेंटर साहब आपने ये क्या किया है, क्या है ये सारे फोन उल्टे हुए क्यों है? ये मैंने हटाए हैं, ये मैंने, मुझे क्रेडिट दो, मैंने उल्टाए हैं तो इसलिए कि ये फोन पे, ये फोन भी इस तरह उल्टा दिया, घर का सामान भी इस तरह तो उल्टा इसी दिया, मैं इसको भी उल्टाती हूँ, पुआ पुआ के छितर मारती हूँ। अच्छा शिवा जी, फिर हम इसी वजह से जीत गए हैं, क्योंकि फोन ही नहीं आया तो सट्टा कहाँ से लगेगा? अल्लाह का करम नहीं है, अभी झूठ मूठ है, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है, कभी बंदा जीतता है, मैं तुरती तुरती डिग पड़ती हूँ। इतनी खुशी का मौका है, फिजा जी भी हमारे पास है, मौका तो तू हूं नचना, खुश रहा चाहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती है दोनों तरफ से, ठीक है ना, पाकिस्तान हमारी जो है जो बंदों की टीम है वो भी जीती है, तो हमारी औरतों की, हाँ पहले तो औरतों की जीती, फिर तो बंदों ने शर्म खाई, तो इस मौके पे शर्म नहीं खाई, अल्लाह के फजल से खेले ही कमाल है, क्या बात ना, जूंदे यार मेरे शहजादे, बहुत अच्छा है, सही बात बोली, अल्लाह खेले दिल खुश, वो तेरे शहजादे हैं और मैं क्या हूँ, तू एवें घरेलू 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 दाल चौल। वैसे सख्त मिजाज औरों से शादी नहीं करनी, नहीं नहीं शादी क्यों नहीं, सख्ती तो चंगी होती, मस्कीना नु तो तलाक हो जाती। आपने मेरा एक काम करना, हाँ, करना आपने इनसे ये पूछना है, कल श्रीलंका के साथ जो मैच है कहीं सट्टे मतलब जुए बाजी का तो नहीं सोच रहे आप? जीतेंगे जीतेंगे, कह रहे जी मैं आप वादा कर ले, मेरी कसम बस अपने आप, कोई इसने अपनी कसम डाल दी, मैं आपको आप जेन्युइन बात बताऊं हकीकत, हाँ ठीक है जी, मगर बताना आपने ब्रेक के बाद। अच्छा बस ठीक है जी, ब्रेक तक जरा पकौड़े दे दी ब्रेक पे। अच्छा आप ना चाय पिलाती हैं? अच्छा ना कुछ तेरे को जी, आज जाओ ब्रेक पे भेजे जी, ब्रेक पे भेजे। अच्छा जी बैठिए, बात सुन, बैठे और ब्रेक पे भेजे, ब्रेक पे भेजने लगे, मेरा हाथ पकड़ लगे हमको आज, मेरी बात सुन, मेरा हाथ खड़ी रखी ना, चंदा पता है So they played pretty well, a bit slow early, and then he might have succumbed to the heat at the end of the innings, but in between that there were some very, very good shots. He's a class player, and I just can't help but think he may have taken the bowling on a little bit earlier in his innings, but a pretty good half century there. Catch!
Australia, that's gone through the cover fielder and probably will make the fence. Good shot, strong hit. Yes, he's got it away. He's hit that and it's got a long way. Six runs. It's a man out there and it's away from him. It's gone for four. That's gone up in the air. This should be taken. A wicket falls. And it's Maxwell who's picked up by Athens at four. Successful in picking up wickets. That was the first of them watching going LBW. वापस आ गए आप लोग और अब प्रोग्राम का सिलसिला जरा शुरू करते हैं. हमारे साथ कुछ मेहमानों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया, कुछ नहीं बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इस तरफ और इस तरफ हैं मेरे मेहमान. तो पहले मेहमान जो हैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी. मोहम्मद बाबर अली साहब हमारे से तशरीफ रखते हैं. मैं की काम करना ही. आप तो ऐसे आई, आपने तो मुझसे ना पूछा ना काचा, आप तो बस मगर आपने हमारा बड़ा अच्छा काम करा है. जो टेलीफोन आपने उठा के रख दिए ना, कोई बुकिंग नहीं हुई जी, उधर पल्ले पकौड़ियां लगवा दी हैं. अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं मोहम्मद बाबर अली साहब, जर्नलिस्ट है और उनके साथ ही तशरीफ रखती हैं बी एन यू की टीचर है. वालेकुम अस्सलाम फातिमा जहां जेब जी, वेलकम. थैंक यू जी. बाबर अली साहब फिल्मों वाले हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये फिल्मों के पीछे रहते, ये फिल्मों पे लिखने वाले. अच्छा, फिल्मों मगर, पे लिखने वाले. मगर वैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कलम का कोई भी फायदा उठा सकते हैं, मगर हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. वाह ये वाह, कोई कलम ही चूके लाज हुए थे है ना. अच्छा हमारे साथ शीबा जी यहाँ पर और बड़ी प्यारी प्यारी देखिए बच्चियाँ बैठी हैं, शहजादियाँ, बड़ा प्यारा नाम है. ये है बी एन यू की स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर साहिबा तो बैठी हैं यहाँ पर. एक्चुअली यू गॉट अ इनोसेंट फेस, माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, तो बड़ी बात है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे, थैंक यू. और क्या, वन बाय वन जरा तारुफ कराइए अपना, बताइए अपने बारे में, नाम बताइए. आई एम वर्दा एंड आई एम फ्रॉम बी एन यू. आई एम अमारा एंड फ्रॉम बी एन यू. आपने नहीं बताना, आप नाराज हो गई हैं. सॉरी आई एम एक्चुअली अ टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर. आई एम हियर विद फातिमा जहां से तो आप टीचर. माय नेम इज फातिमा रियाज एंड आई एम आल्सो फ्रॉम बीएनयू एंड आई एम अ लेक्चरर. वाओ, अब कड़ियां भी सुनिए ना, उन्होंने ना किड्डा सोना माशाल्लाह. अच्छा दो दो फातिमा हो गई. बिल्कुल वही बात हो गई ना कि मतलब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक नाम पे अब दो दो लोग. ये नाम तो सबसे बड़ा है दुनिया का. नहीं नाम को कुछ नहीं कहा, मगर कह रही हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक नाम पे मैं तो कह रही हूँ पूरे जहां दो दो बंदे को ज्यादा कर रहे हो. जी आप कौन है? रेशम फ्रॉम बीएनयू. ओके आप? आई एम अलीना फ्रॉम बीएनयू. ओके आयशा. अच्छा वैसे हमें पता नहीं था रेशम इतनी पढ़ी लिखी है बीएनयू. नहीं रेशम नहीं तो नालदी भी. यहाँ पे भी वही हो गया ना कि एक नाम पे दो बंदे, एक मीडिया में एक आप. अच्छा जी आप? आजादी फ्रॉम बी एन यू. आजादी आजादी इधर आओ, आजादी आजादी पास आओ, मेरे आजादी मेरे पास आ जाओ. यार ये तो बड़ा प्यारा नाम है, खुद भी बहुत प्यारी सी है. नहीं आजाद खुद ना हो जाना. बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह आजादी. और हमारी आजादी अगर इतनी खूबसूरत होगी तो इस मुल्क को तो बहुत जल्दी, बल्कि इस मुल्क को क्या, इस कौम को आजादी बहुत जल्दी मिल जाएगी. क्या कहेंगी? नाम अपने बारे में, किसके बारे में? नाम दादी ने ही रखा. दादी ने, दादी का नाम क्या था? दादी दादी का नाम था जरीना बलोच. जरीना बलोच. किस फैमिली बैकग्राउंड से आप, मतलब खानदान पीछे क्या है, पठान? नहीं बलोच और सिंधी. अच्छा बलोच और सिंधी मिक्स जी. तो फैमिली में और कोई डिफरेंट नाम हमें, आप जैसे आपका नाम है? मैं अपने भाई बहनों के बता देती हूँ. भाई बहनों के बताइए. बड़ी बहन का सुआ है. सुआ? हाँ. कौन सा वाला, जो मोटा सुई वाला? जो नहीं नहीं, उसका नाम है ब्यूटी. ब्यूटी? हाँ. बलोची में और सिंधी में. सिंधी में, यार कितना खूबसूरत नाम. और दूसरी बहन का नाम है अमरता. अमरता, वाह क्या प्यारे नाम है. ड्रामों में कोई ऐसे नाम क्यों नहीं रखे जाते, इसका मतलब क्या है अमरता? आई थिंक सनराइज है या आई डोंट नो एग्जैक्टली. अच्छा और आजादी का खुद क्या मतलब लेती हैं अपने नाम का आप? मैं अपने लिए टू बी हु यू आर. क्या बात है, मजे की बात. अच्छा ये बताओ, कभी दादी से खुद पूछा कि मेरा नाम आजादी क्यों रखा? हाँ पूछा, पैदा हुई होगी ना? नहीं 10 अगस्त.
हुआ करी बात करीब तो है ना, बात सही है, मैं बात गलत नहीं करती हूँ, बेशक आप जो मर्जी कह रहे हो। अच्छा तो इस वजह से, वैसे दादी क्या कहती थी आपको, क्या आजादी क्यों नाम रखा? आई गेस वो फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइटर थी, हर घर में ऐसी फ्रीडम फाइटर होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी आगे, अब हमें और कौन बता रहा है, जरा ये लीजिए बताइए। फरीहा, तो महरीन सही है जो हमारी टॉप मॉडल है, वो भी बी एन यू से निकली है जी। और आप फरिया, फरिया परवेज, वो भी बी एन यू से निकली। आप अरीबा फ्रॉम बी एन यू। अरीबा माशाल्लाह। I'm सना फ्रॉम बी एन यू। सना, सना की तो शादी हो गई है जी। है सना पर साल की बात। ये कौन सी गरीबा है ना, आपके नाम पूछी जा रही, हम लोग घूम गए। आपका नाम किसको दरकार है मुझे बताएं, एक इतना बड़ा नाम है आप लोग। तुम्हें तो तुम्हारे घर आए ना, चाय पूछती हो ना पानी पूछती हो। आपको बड़ा कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी आज, आप देखिएगा बहुत कुछ खाने को। भाई देखिए, दो नाम तो हमारे सेट पे ऐसे हैं जिनको बताने की भी जरूरत नहीं है, जिनका तो एक नाम क्या पर्सनालिटी है स्क्रीन पे। ना 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 ना, आप दोनों तो हमारे स्क्रीन का मैं कहूंगी चांद है, सिंपल सी बात है, सोना है, चांदी है आप, हीरे जोहरात है। लव यू हो गया जी, लव यू। अब हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो बैठे हैं, जरा बाबर साहब, बाबर के जर्नलिस्ट, हाँ आज तो बड़े खुश हैं माशाल्लाह। और क्या, मुझे दवाइयां भेजते हैं है ना, इनसे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जरा जानेंगे, स्पेशली कल के मैच के बारे में, मगर एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। उससे पहले बताती चलूं कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ कब होता है, बुध के रोज होता है, और आज बुध है, और आज हमारे यहाँ पर तीसरा लकी ड्रॉ होने जाएगा जिसमें बहुत सारे इनामात हैं, गिफ्ट बास्केट्स नेस्ले की, उसके अलावा फ्यूल वाचर्स हैं जिसमें 5000 रुपीस वर्थ है एक फ्यूल वाचर की, LCD क्योंकि T20 चल रहा है देखने में बहुत मजा आएगा, जनरेटर बिजली अगर चली गई तो जनरेटर ऑन करके फौरन आप ये मैच कंप्लीट करके देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा ग्रैंड प्राइज है, ग्रैंड प्राइज जो है ना हमारा है दुबई का रिटर्न टिकट, उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं, आप अपने साथ अपनी बीवी को या बीवी जो है अपने खावन को या फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो अभी वक्त हुआ चाहता है कि मैं आपको छोटे से वक्फे के लिए भेजूं, मगर आइएगा मेरे पास यहां पर जल्दी से, क्योंकि हमने यहां पर बात करनी है क्रिकेट के ऊपर, कल के मैच के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया से हम जीते हैं, और कल जो आने वाला कल है उसमें हम श्रीलंका से मैच खेलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी दुआएं। एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक, अदावर्स है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक हो गया जी। अच्छा हम बात कर रहे थे बाबर अली साहब से, और मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अपना नज़रिया पेश कीजिए, जो कल का मैच था हमारा जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरा हुआ कल, और आने वाले कल के बारे में भी पूछूंगी, पहले तो गुजरे हुए कल के ऊपर कोई रोशनी डालिए। जी फिजा, जैसे सबको मालूम है कि कल का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर पाकिस्तान वो हार जाता तो बिल्कुल टूर्नामेंट से आउट हो जाते हम, और ख़ासकर इंडिया के से हारने के बाद जिस तरह हमारी पूरी कौम और टीम डाउन एंड आउट थी, उसके बाद जिस तरह कल का मैच खेला पाकिस्तानी टीम ने, अच्छी खासी डिमोरलाइज थी। जी बिल्कुल, जिस तरह उनको शिकस्त दी, मैं समझता हूँ कि ये पूरी टीम एफर्ट है, और खिलाड़ी जिस तरह खेले हैं कल का मैच खास तौर पर, अगर इसी तरह खेले तो फिर इंशाल्लाह आगे भी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और देन फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ट्रॉफी जीतेगा। कल के मैच पे जो थोड़ी सी है डिटेल उसकी, वो सब ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन बीच में नासिर जमशेद ने 50 रन्स किए, पूरी टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी फॉर्म में रहे वो, सवाए इंडिया के खिलाफ मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया, अदरवाइज़ वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो इस टूर्नामेंट में अब तक जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है उसकी बैक बोन रहे हैं। उसके बाद फिर कामरान अकमल हैं, उमर अकमल ने उनका थोड़ा सा दिया। एक और जो सरप्राइज था कल के मैच के लिए, वो अब्दुल रजाक की शमूलियत थी टीम में, बहुत उनके बारे में कहा जा रहा था, कंट्रीब्यूशन दिया है हमें 22 रन का, वो तो क्या बात है जी, सीनियर प्लेयर थे, उनको बेंच पे बिठाया हुआ था, सब ये कह रहे थे कि अगर उनको लेकर गए हैं तो उन्हें टीम में होना चाहिए, वो बेंच पे बैठने वाले प्लेयर नहीं है। और मैं देखिए जब टीम में उन्हें डाला गया ना तो उन्हें अपनी जो एक पोजीशन है उनके पास, बल्कि जो उनके पास टाइम था
उस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प आउट किया जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम गेंदों पे उन्होंने रन्स किए जिसकी वजह से टीम 150 का जो टारगेट था वो दिया, उसे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, मतलब उन्होंने दिखाया है कि हम सीनियर खिलाड़ी और हम लाइक मैच्योर, सो जी बिल्कुल वो लगा है और आने का मकसद पूरा हुआ। फिर देन जो बिल्कुल कैप्टेंसी थी जब हमने बॉलिंग की तो आप देखें कि 18 ओवर जो है वो स्पिनर से करवाए गए हैं जी। ये दूसरा मैच था T20 की हिस्ट्री का तो जिसमें 18 ओवर स्पिनर्स ने करवाए, वाकई स्पिन किया है एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल घुमा कर रख दिया जिसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। इसमें मैं मेंशन करूंगा रजा हसन जी, जो यंग प्लेयर हैं, 20 इयर्स ओल्ड हैं सिर्फ जी, और अपना पहला टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने अटैक किया और इंडिया के खिलाफ भी पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट ली, फिर उस साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आशी मामला को उन्होंने आउट किया जी, और कल भी उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर प्रेशर डाला और जिस तरह से जैसे रजा हसन ने वो पाकिस्तान की जो विकेट ली है ना जी जी वॉटसन की जी, वो जी। तो बस मैं Watson, अगर उस वक्त ना विकेट ली जाती ना तो हम लोग अंडर प्रेशर हो जाते एग्जैक्टली। वॉटसन आपको पता है कि जो लास्ट 4 मैचेस थे उसके मैन ऑफ द मैच थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल उन पे बैंक कर रही थी कि अगर ये रन कर जाए 30-40 रन कर जाते तो वो मैच जीतता था, लेकिन कल की विकेट जो प्राइज विकेट थी वो रजा हसन ने ली। वाह वाह, भाई प्राइज वाला काम तो हसन ही करते हैं। क्या बात जी, असल में ना उनको जब से वो इंडिया से आ रहे थे थोड़ा प्रेशर भी था जी, बहुत प्रेशर इस इंडिया से आने जीतने से उनका प्रेशर भी कम हुआ बिल्कुल, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि और हमारा प्रेशर बढ़ा है। हाँ जी, हम उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, हम उम्मीद करेंगे कि आगे हमारा और बढ़े जिस तरह जो है जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान में ही आए इंशाल्लाह। आमीन। इंडिया हरा पाकिस्तान से, जीता पाकिस्तान को जी बिल्कुल, अच्छी गल की थी, नहीं निकल गई ऐसी भी गल है, निकल गई दो गुटे नहीं नहीं अच्छी बात है, खुशी जो है ना हजम नहीं हो रही, कल हम जीते हमें हजम नहीं हो रही खुशी, हम लोग इंडिया जैसे पाकिस्तान से जीता तो कल धोनी वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल से आउट होने के बावजूद थोड़े से रिलैक्स इसलिए नजर आ रहे थे कि वो पाकिस्तान से जीते हुए मतलब इंडियन इंडियन कैप्टन कैप्टन उनके लिए तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच था ना, मगर कल जब साउथ अफ्रीका ने 122 बनाए हैं 115 से लेकर अगर आप 122 तक का वो पूरा छोटा सा स्कोर देखे ना तो आपने देखा होगा कि उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशन थे जी जी बिल्कुल बहुत मैटर कर रहे थे उस वक्त बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि सब हम जीतने के बावजूद रेमो क्रम पे थे साउथ अफ्रीका के कि वो एक खास टोटल बना ले ताकि फिर इंडिया आउट हो जाए और पाकिस्तान इन हो जाए, तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ था। अच्छा बाबर अली जी, मैं समझती हूँ हमारी जीत में साउथ अफ्रीका की भी कंट्रीब्यूशन थी। डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर वो 122 पर ना पहुंचते तो हम फिर भी आउट ही थे जी बिल्कुल। स्टार्ट में ऐसा लगा था, दो विकेट उनकी गिरी थी जल्दी बट लेकिन फिर वो रिकवर कर गए। और अच्छा, और कल मैच देखते हुए साउथ अफ्रीका के जब वो मैच देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस ये हमारी टीम है जल्दी बनाओ बिल्कुल, एक तो इंडिया के साथ उनका मैच था, ऑब्वियसली सबकी ये ख्वाहिश होती है कि इंडिया हार जाए, इसके हाँ। साथ भी मैच होता है हाँ। दूसरा फिर ये कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल की जो प्लेस है वो स्टेक पे थी, इस वजह से सब लोग दुआएं कर रहे थे ये कि किसी तरह साउथ अफ्रीका ये टारगेट। मैं तो आराम से सो गई थी, मुझे पता था हमने जीतना क्योंकि इसको मैंने बांधा हुआ था संगलों से भाई आपने दुआ भी तो की थी, आपने सुकून की नींद तो सोनी सी करके हलाल हो गई। मैं दुआ करो और तकवा करो, ईमान पक्का रखो तो कहते हैं ना जो चाहो वो नियत के साथ हो जाता है, एफर्ट के साथ अगर दुआएं भी मिल जाएं तो मैं समझता हूं कामयाबी जरूर मिलती है फिर दुआएं। बीएनयू की टीचर भी हमारे साथ तशरीफ रखती हैं फातिमा जी, तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ क्रिकेट फेवर कितना है? आई थिंक बहुत है और होना भी चाहिए, इट्स ये स्पिरिट्स की गेम है और आपको अपनी कंट्री को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बट जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्वियसली आई एम लिंक्ड टू मीडिया, कि हम कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। इन द एंड इट्स अ गेम, समवन हैज़ टू लूज एंड समवन हैज़ टू विन, ठीक है? सो मेरा ख्याल है अगर कोई फाइट करके लूज भी कर जाए नो मैटर, एटलीस्ट दिखना चाहिए एफर्ट थी, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, परफॉर्मेंस मैटर्स राइट? बिल्कुल, आप ट्राई करें, अगर आप नहीं पहुंच सकते तो इट्स ओके, यू हैव द नेक्स्ट चांस, आप उस चांस को अवेल करें। बट नाउ दैट वी आर इन द सेमीफाइनल्स, तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो कंपोजर अपना बिल्ड किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, मेरे ख्याल से दे शुड कैरी ऑन, ठीक है? अब इंडिया के खिलाफ क्या हो जाता है कि शायद प्रेशर गेम भी होता है, फिर मेंटल प्रेशर भी होता है इन पे, मेरे ख्याल से वो फोकस नहीं कर पाते, ठीक है? बिल्कुल साइकी भी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया इज जस्ट अनदर टीम, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, अगर ये सोच लें
तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे सके इंडिया के खिलाफ, बट इन द कुछ टीम्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ आप कम्पीट करते हैं तो समथिंग मच। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे प्रेशर वाला ही मैच होता है। अब इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, वी हैव अदर इश्यूज, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल है। देखा जाए तो पाकिस्तान तो 8 मैच कभी नहीं जीता, 8 मैचेस खेले गए कभी भी G20 के, मगर आज तक इंडिया से नहीं जीता। वर्ल्ड कप के कोई मैच में पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीता। हाँ बिल्कुल, हर कोई यही कहता है और मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी नेगेटिव बात है, बाकी तो जीत जाता है ना, सेमीफाइनल में भी पहुंच गए हैं इंडिया, टेस्ट मैच भी जो उनके होते हैं, जो प्रैक्टिस मैच होते हैं उसमें जीत जाते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी टीम बहुत अच्छी है और बहुत हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और जब हारते हैं तो हम क्या करते हैं जी, कि बस जी हमारी टीम तो फजूल है, हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको निकाल दो, उसको नहीं, निकाल सपोर्ट दो, नहीं करेंगे, ये कभी नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात। और अगर हम जब वो जीत जाते तो वी आर क्रेजी ओवर अ टीम, हमारी टीम तो बेस्ट है। ये है मेरे ख्याल से थोड़ा बैलेंस और कंपोजर की हमें और हमारी जो यूथ है उसको जरूरत है, ठीक है। खाली सिर्फ अगर आप टीम की बात करें या क्रिकेट की बात करें उस लिहाज से नहीं, वैसे भी वी नीड अ बैलेंस इन आवर लाइफ, जो कि थोड़ा कहीं मुझे लग रहा है कि कम होता जा रहे हैं, हम थोड़े अनस्टेबल होते जा रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल्स में। तो मेरे ख्याल से हमें ये अडॉप्ट करनी चाहिए, चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ है। और हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, वो जीतते हैं आप खुश होए, वो हारते हैं आप उनके लिए दुआ करें कि नेक्स्ट टाइम दे विल विन समथिंग। तो अब नाउ वी इन सेमीफाइनल्स एंड वी हैव आवर होप्स हाई, इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि कप हमारा ही होगा, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। अच्छा इसी बात के साथ बताती चलूं कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ आज हमारे सेट पे तीसरा लकी ड्रॉ होने जा रहा है और आपको सारे ग्रैंड प्राइसेस से लेके प्राइसेस पता है। इसमें एंट्री में शामिल होने का सिर्फ आसान सा तरीका जो मैं आपको बता देती हूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के कोई भी 2 सील्स आपने अपने नाम पते शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 लाहौर पर रवाना करना है और फिर जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ही ज़्यादा जीतने के मौके। आप भी हमारे इस लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की 2 सील्स आपने हमें सेंड करनी है। अभी एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं फुल टॉस, मगर ये मेरे साथ फुल टॉस जो है आप लोग जरा जोर से मिलके बोलेंगे तो मजा आएगा। आप लोग देख रहे हैं फुल टॉस। कल का मैच जो हम लोगों ने देखा बड़े शौक से, हर एक ने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मैच, तो ये उसकी हाइलाइट्स अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे दोबारा से। अभी वक्त हुआ चाहता है कि कुछ कॉल्स भी आज प्रोग्राम में शामिल करूं क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे, तो आज वो नाराज़गी दूर होगी। हेलो अदाब अर्ज़ है, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं मर्जी से ना बात कर रही हूँ, जरा बात। कौन बात कर रही है? मर्जिया जैनब बात कर रही है जोहराबाद से। ठीक ठाक है, आपकी रेगुलर कॉलर हूँ जी, आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। मेरी रेगुलर कॉलर की आज मुझे आवाज सही नहीं आ रही है, जरा फोन के बहुत पास होके बात करनी है मेरी जान ने, ठीक है? मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जीत गया, बहुत खुशी हुई है कल तो। हेलो, बहुत खुशी हुई है भाई, सबसे ज्यादा पूरी कौम को खुशी है, मतलब मैं आप तो शामिल हैं ही कौम में, मगर हर एक का जज्बा देख के, खुशी देख के इतना अच्छा लग रहा है कि हर कोई जश्न करना चाह रहा है आज, है ना?
हाँ जी बिल्कुल, जय शंकर ने का दिल चाह रहा है और आपने कहा था ना कि भाई नंबर डाउनलोड करवा दें, तो फिर वो है ना मैंने डाउनलोड किया, लेकिन मैं मुझे आपसे ना बहुत जरूरी काम है और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हूँ मैं बताती चलूँ कि मैंने ये तरीस का जोड़ा पहना है और तरीस का जोड़ा भी मैं गिफ्ट कर रही हूँ, कल का भी और जो पहले दिन पहना था वो भी, आज का भी मैं ये जोड़ा जो है गिफ्ट कर रही हूँ। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना होगा कि हमारे कल के मैच की टिप क्या है। कल हमारा जो मैच हो रहा है श्रीलंका से, तो आपकी टिप क्या है कि पाकिस्तान या श्रीलंका? पाकिस्तान 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 सच्ची वाली टिप है ये? ठीक है, ये तो नहीं कि बस पाकिस्तानी है तो बस पाकिस्तान का नाम ले लिया, सच्ची टिप एज अ स्पोर्ट्समैन टिप बताइए। हाँ जी नहीं, हमें पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। ठीक है, आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, लव यू। अच्छा जी एक कॉल और है साथ, वो भी ले लूं। अदाब अर्ज है जी, कौन है हमारे साथ? अदाब अर्ज टू यू ज़ैनब। कौन? ज़ैनब। ज़ैनब बात कर रही हूँ। अच्छा ये खुद भी ज़ैनब है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर ऑफिस से। मेरी जान ये बताओ कहाँ से बात कर रही हो ज़ैनब? मैं कराची से बात कर रही हूँ और मेरी लास्ट टाइम फ्राइडे को कॉल मिली थी और मैंने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीता था। क्या बात है, आपकी तो प्रेडिक्शन इतनी अच्छी है, तालियां होनी चाहिए। ज़ैनब के लिए तो तालियां होनी चाहिए। ये है कि हाँ। इतने पाक नाम है और हाँ। जब ये दुआ करेंगे तो बहुत फौरन अल्लाह मियां सुन लेंगे। ट्रू, मुझे इस तरह के इस्लामी नाम बड़े खूबसूरत लगते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं, उनके नामों की बरकत भी बड़ी होती है। अच्छा जी मेरी जान, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी सूट की, मैं आज दोबारा आपका लकी ड्रॉ में नाम कीजिएगा, मैं आपको जरूर दूंगी। मैं आज आपका लकी, असल में लकी ड्रॉ में जैसी नाम निकलेगा ना, नहीं ये लकी ड्रॉ में यार नहीं निकलता, अल्लाह कैसी पाई है, इंशाल्लाह निकलेगा। हम लोग जब निकालते हैं ना तो निकलता जरूर है, कोई भी हमारी कॉलर जो है ना वो कहते ना हिंदी वाला वर्ड निराश नहीं होती है हमसे, हर एक का जो है टाइम आता है, हर एक को एक तोहफा जरूर मिलता है हमारी तरफ से, और इतना प्यार आप लोग करते हैं तो जरूर 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 कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा अब वक्त हुआ चाहता है कि कराची से कॉल आई थी, एक आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पर अभी शामिल होने जाएंगे, उन्होंने कराची में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी ऐसी सीरियल्स हैं जो कराची से उन्होंने की, कराची शहर जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं खुद कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, पहले जब मैं कराची में होती थी तो कोशिश करती थी कि ये एज अ हीरो मेरे सामने परफॉर्म करें, गुड लुकिंग अलग, प्यारे अलग, परफॉर्मर अलग। चलो फिर जब मैं लाहौर आई तो लाहौर में भी उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, एक्टिंग में भी मदद की, काम में भी, लोगों में भी, लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में भी बड़ी मदद की, तो इस तरह होता है कि लोग एक दूसरे का साथ दें तो काम और रास्ते जो है वो आगे आराम से खुल जाते हैं। अभी वक्त हुआ चाहता है कि आपके सामने उस पर्सनालिटी को यहाँ पर बुलाऊं जिनकी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ कर नहीं पा रही हूँ, मगर जब आप उनको देखेंगे तो कहेंगे वाकई फिजा आपने तो इनकी तारीफ में कुछ बोला ही नहीं है। बस इतना बता दूँ बहुत अच्छे इंसान, इनकी फैमिली को मैं बहुत प्यार करती हूँ, टाइम नहीं मिलता ऑल्दो हम लोग मिल नहीं पाते, मगर खिलाने पिलाने का इनको बहुत शौक है और आज यहाँ पर हमारे साथ बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, और एक प्ले भी इन्होंने किया था किसी निजी चैनल में महबूब के नाम से, जिसमें इन्होंने एज अ क्रिकेटर का कैरेक्टर परफॉर्म भी किया था। तो आज हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखने के लिए आ रहे हैं इमरान अरूज। क्या बात, सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि हमारी टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्या बात है, आपने देखा कैसा ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ा हमने, ऐसा मारा उन्होंने, इतनी सुबह सुबह खुशी वैसे आपको आज ये उसी सेमीफाइनल में जाने की एक्साइटमेंट है जो अभी तक मेरे साथ चल रही है। क्यों भाई लड़कियों तुम लोग को है इतनी खुशी जितनी आज इनको है, है? माइक उठाएं बताएं, वन बाय वन बताइए। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ क्या खुशी है, बस बहुत ज्यादा खुशी है। क्या खुशी, पाकिस्तान के जीतने की, सेमीफाइनल में पहुंचने की, अगर पाकिस्तान लिटरली अगर पाकिस्तान ना जा सकता तो बहुत ज्यादा आई मीन बहुत बुरा लगता, लेकिन नाउ वी आर वेरी, अगर नहीं करेंगे अब हम सेमीफाइनल में इंशाल्लाह, और हम T20 का कप लेके आएंगे इंशाल्लाह। खैर ऑफिस से तालियां। इमरान कल का मैच लगा कैसा, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा खिलाड़ी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एफर्ट कैसी थी हमारी टीम की? See, और ओवरऑल टीम एफर्ट वाज अमेजिंग, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम का जो नेचुरल स्टाइल है गेम का वो ही रहना चाहिए। इन लास्ट जो इंडिया का, इंडिया से मैच खेले और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें हम हार गए, लेकिन जो मेरी अपनी एक परसेप्शन है या मैं समझता हूँ कि
इन विकेटों पे जो श्रीलंका की विकेटें हैं इनमें मोस्टली स्लो विकेट्स हैं और उसमें स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, तो अगर हमारी टीम उसी एक एग्रेसिव स्टाइल से ग्राउंड में उतरे और हमारे बैट्समैन स्पेशली उसको बजाय इसके कि वो डिफेंसिव होकर खेलना शुरू कर दें और अपनी नेचुरल गेम प्ले करें तो वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। और अभी तक जितने मैचेस में इन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली और एग्रेसिव होकर विकेट पे बॉलर्स का सामना किया है, सो आप देख लें कि वो रिजल्ट्स उतने अच्छे हैं। और ना सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में जिन जिन टीमों ने T20 फॉर्मेट पे अपनी बैट्समैन ने ग्राउंड में आके एग्रेसिव प्ले किया है उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि उन्होंने मैचेस जीते हैं। अच्छा इमरान, क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सामने आकर जो है हम लोग लूज कर जाते हैं? क्या प्रेशर है इंडिया का या उनकी टीम का हमारे पर कोई प्रेशर है? पूरी दुनिया की क्रिकेट में ये एक इवेंट ऐसा होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और मतलब इतनी एक्साइटमेंट नजर आती है ग्राउंड में, इतनी एक्साइटमेंट नजर आती है। मेरा ख्याल है कि ये गेम हम पाकिस्तानियों या उन हमसाया मुल्क के लिए इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट इज द यू नो वो जज्बात, वो सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं इस चीज में कि नहीं ये मैच हमने जीतना ही जीतना है। ऑल दो आई एम वेरी हैप्पी कि उस मैच में भी पाकिस्तान टीम ने एफर्ट की और प्लेयर्स ने भी इनपुट दी, अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग नहीं चल सकी क्योंकि विकेट वाज अ बिट हार्ड और वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लग रहा था कि अंडर प्रेशर भी है। नहीं मैं ये समझ जो एनालिसिस मेरे थे उसमें मैंने ये देखा कि वो जितना डिफेंसिव बैट्समैन जितना डिफेंसिव खेलने के लिए गए वो उतनी जल्दी आउट होते चले गए। हर प्लेयर मैदान में आता है और अपनी एक नेचुरल गेम और अपनी जो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज है वो उसको उसके साथ प्ले करे तो वो कभी भी। आपको रीजन क्या लगती है, रीजन क्या लगती है कि 8 मैचेस नहीं जीते, ये प्रेशर में क्यों आ जाता है, व्हाई ओनली इंडिया, इंडिया से ही क्यों, मतलब सब से इंडिया अब से? अंदर की बातें मत पूछ हमें बात जज्बात और विकेट तक ही रहने दो। हम यहाँ पर बहुत बोल जाएंगे क्योंकि हमने सुना था कि पिछले टाइम हमारे जो पीएम साहब गए थे तो उन्होंने पानी खुलवा लिया, तो इस बार पता नहीं क्या खुलवाया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कहने का मकसद ये कि इट्स अ गेम, लेकिन मैंने जैसे बात की कि दोनों मुल्कों के लिए हमें ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें हमारी ईगोज बहुत हाई होती हैं। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि वर्ल्ड क्लास टीम है, कल पाकिस्तान उसके साथ खेला और उन्हें हमने बिफोर टाइम जो है वो आउट कर दिया और एक टारगेट के अंदर आउट किया जो हमें रिक्वायर था, है ना। अच्छा कल जो श्रीलंका के साथ मैच होने जा रहा है उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है, क्या बताओ कल इनाम मिलेगा वरना तुम अच्छा मगर इसका जवाब जो है ना मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगी कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, टिप बतानी आपने पाकिस्तान श्रीलंका, फिर जरा आप इलैबोरेट कीजिएगा। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, दोबारा बता दूं नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ, सिर्फ और सिर्फ आज तीसरा लकी ड्रॉ हमारे ही मॉर्निंग शो पे हमारे ही सेट पे होने जा रहा है और अब देख रहे हैं आप यहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे आए हुए, तो सब लकी ड्रॉ निकालेंगे। आप खुश नसीब हैं कि इतने प्यारे प्यारे सितारे जो हैं आज आपका लकी ड्रॉ का नाम जो है वो इस बॉक्स में से निकालेंगे, आप भी शामिल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के 2 सील्स अपने नाम पते शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 लाहौर पर रवाना कीजिए और जीतिए बहुत सारे इनामात। जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं Thank you.
हमारे साथ यहाँ पर ये जो सिंगर है ये है निगहत. शी इज़ ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट बट इन्होंने रिसेंटली अपना सिंगिंग करियर जो है उसका आगाज़ किया है. जितना खूबसूरत ये गाती हैं उतनी खूबसूरत मेकअप भी करती हैं, तो मेकअप के साथ साथ दिल भी बहुत खूबसूरत रखती हैं. मगर सारी बातों का सिलसिला जो है जारी रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा वक्फा दरकार है. वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा. नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ आज हमारे ही मॉर्निंग शो पे होने जा रहा है. तीसरा, तो आप जितनी ज्यादा एंट्रीज भेजेंगे उतनी ज्यादा जीतने के मौके. अभी जाइए जाइए जाइए, एक छोटा सा वक्फा लीजिए. आप देख रहे हैं बैक हो गया. अब जो मैंने आपसे सवाल किया था इमरान साहब, जरा उसका जवाब तो दीजिए मुझे. अच्छा विजा मुझे आप एक बात बताएं. मैं काफी देर से खामोश सब कुछ ये देख ही जा रहा हूँ. तो आज की हमारी जो हमारे जो गेस्ट हैं ये भी गेस्ट ही हैं. गेस्ट ही है ना, और क्या. मुझे पता नहीं आज ये नाश्ता नहीं करके आए, इतने स्लो है, पता नहीं क्या हो गया. मैंने तो सुना था बीएन वाले जो है वो बड़े धड़ल्ले वाले हैं. एक्चुअली इसके आगे होता है बीएन. मजे की बात है, ये तड़के उठने वाले लोग हैं. हां बीएन यू तड़के उठते नहीं, ये इतने क्यों भाई सुस्त क्यों हो. क्या बात है आपको, जीतने की कोई खुशी नहीं या वो फीसों का दुख है. अच्छा आप लोग इन्हें डांटते तो नहीं है ज्यादा. नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी प्यारी शक्ल डांट सकती. हां इतने प्यार से लेकर आए हैं इन्हें, अभी फ्री लंच भी कराना है इनको. तो फिर तो खुश हो आज फिजा इनसे डांस कराएंगे. बिल्कुल नहीं तो बात सुने आप सबके. ये हमारा पाकिस्तान जीता है. अच्छा जैसा नाच आता है वैसा नाच. अच्छा किस किस को गाना आता है. किस किस को गाना आता है, किसको. जो अच्छा गाएगा उसे नेस्ले का एक डब्बा मिलेगा. क्या बात है, आज तो उसी भी लेके जाने हमने जाके रोटी खानी. ये आप कैसे. थैंक यू. अच्छा आपको अच्छा आता है, ठीक है तो माइक दीजिएगा इनको. जी है, जो अच्छा गाना सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा. इनाम जिस तरह की आवाज होगी उस तरह का इनाम. गाना अच्छा होगा तो इनाम भी अच्छा होगा. जी ना बताएं, बीएनयू के बच्चे लालची हैं. मेरे को मैं लाइव जा जी मेरी कुछ हम लोग आई है ना, हम आपको इनाम देंगे. ये बैट दे दे. नहीं नहीं बैट तो डायमंड आई फॉर इसके लिए मैं दूंगी इनको. मैं आप देंगी. मैं हूं. आपने कल भी अपनी झुमकियां उतार के दे दी थी. मेरी तो आदत है, मेरे से कोई अल्लाह करे कुछ मांग ना दे. चलिए जी कौन सा गा रही हूँ. ऐसा कौन सा गाना जो नहीं आता. कोई सा आते कोई सा भी माइक करीब करके. कौन सा गा रही है आपको. गाना आता है, मैं सुनाना नहीं आता. जी विजय तुम नजर से गिरा तो रही हो मुझे तुम कभी मिला ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रही हो मुझे जो थे उनको तो इतना मजा आ रहा था कि वो चाह ही नहीं रहे थे कि म्यूजिक जो है खत्म. उन्होंने आगे अंतरे पे म्यूजिक दे दिया था. अच्छा बीएनयू वालों की संजीदगी का ना आप मुझे थोड़ा थोड़ा से समझ. अब आपको अच्छा पता लगा बीएनयू की सुनसर फील्ड में आ गए हैं. संजीदा है मगर मुझे लगता है मुझे बीएनयू के स्टूडेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा. आप जाएं मेरी सीट पे तशरीफ रखिए. अच्छा प्लीज जाइए जी. चलें प्लीज जाइए जी आप. तो मैं देखिए मैं आज फैसला होके रहेगा, बाकियों से भी सुनवाएंगा ना. अच्छा मगर उससे पहले ना अभी वो जो सवाल पूछा था जरा उधर आ जाते हैं जी जी. कि प्रेडिक्शन और टिप.
प्रिडिक्शन ये कि विकेट एज यूजुअल स्लो होगी और स्पिनर्स को हेल्प करेगी और पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ मैच में अच्छा खेला, उनके बॉलर्स को अच्छा खेला और मेरी प्रिडिक्शन ये कि पाकिस्तान मैच इंशाल्लाह जीतेगा और फाइनल में क्वालिफाई करेगा। हाँ, कुछ चेंजेस हैं जो टीम में होनी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन शायद देर आए दुरुस्त आए। जैसे अब्दुल रजाक, ही इज वन ऑफ आवर की प्लेयर और स्पेशली उस स्टेज पे कि जब हमें एक ऐसे ऐसा बैट्समैन रिक्वायर्ड है, सो ही ऑलवेज प्लेड वेरी वेल और उसने परफॉर्मेंस भी दी है अपने उन ओवर्स में आके, जैसे अभी लास्ट मैच में उसने ही रेड 22। और फिर एक सिचुएशन वो थी जो अभी कल गुजर गई कि आप सबको याद होगा 92 के वर्ल्ड कप में ऐसी एक सिचुएशन आई थी पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान अपना मैच एक टीम से जीता लेकिन उसको रिक्वायर्ड था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना मैच जीते और वो ऑस्ट्रेलियंस ने जीता और हमें 92 का वर्ल्ड कप जो ODI था जी, वो हम लोगों ने जीता। और इस दफ़ा भी सिचुएशन वही है कि एक टीम ने मैच जीता साउथ अफ्रीका, थैंक्स टू साउथ अफ्रीका कि उन लोगों ने बहुत ऑनेस्टली अपना मैच खेला और उन्होंने कहीं भी ये नहीं होने दिया कि जैसे मतलब उनके लिए मैच इंपॉर्टेंस नहीं रखता। दे वर सो प्रोफेशनल कल के मैच में, दे वर सो मच इनटू दैट कि वो जीतना चाहते थे ये मैच। और जितने मैचेस हुए ना, मैंने जितने मैचेस देखे सारे, लास्ट उनका हारना फिर जीतना, तो मेरे हिसाब से मेरा ख्याल कप जो है ना वो पाकिस्तान के लकीली उनकी तरफ आना शुरू हो चुका है। आप तो आ चुका है, एमए को थोड़ी बहुत नहीं आ जाना सीधा कोलंबो में खेला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि पहले जो फातिमा ने बात की कि मैच को गेम को गेम ही समझ के खेलना चाहिए, कल के मैच के लिए श्रीलंकन टीम को अगर हम देखेंगे, आप क्या कहते हैं कल के टीम में कौन सा बैट्समैन पहले प्ले करे, बैटिंग ऑर्डर जो है हमारी टीम, लेकिन फिजा इतने इतने बॉलिंग कैसी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अब जो टीम का कॉम्बिनेशन है आपको उसको लेके चलना है। ठीक, और मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको खुद ही टीम मैनेजमेंट के मशवरे से नहीं खिलाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो स्टार प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमने तो खेलना ही है, मगर हमारे प्लेयर इतने मासूम है, रोना शुरू हो जाते हैं पूरी दुनिया में कई मासूम भी हैं लेकिन माशाल्लाह सख्त भी बहुत है। आई एम श्योर ही इज टॉकिंग अबाउट शाहिद आफरीदी बिकॉज़ शाहिद बहुत सारे मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अच्छा और बड़ा प्लेयर किसी भी वक्त फॉर्म में आ सकता है, इसकी एक बड़ी रीजन है। मगर ये ना इमरान के शाहिद फॉर्म में उस वक्त आए जब मैच करता था। शाहिद आफरीदी जो है वो नो डाउट बहुत की प्लेयर है पाकिस्तान टीम में, उन्होंने पिछला जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसके सेमीफाइनल और फाइनल के वो मैन ऑफ द मैच भी थे, उनकी बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चूनेटली मतलब अगर ही इज नॉट देयर एज अ लाइक बैट्समैन, बीइंग अ बॉलर ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बिल्कुल जो स्कोर का एक एलिमेंट है कि उसको रोकना है, तो ऑलराउंडर का वैसे भी होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कभी भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना कि उसमें वो हेल्प आउट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं ऑन द स्पॉट जिन्होंने डिसीजन करने होते हैं वो मेरा ख्याल है कि हम जो बाहर बैठे हैं उनसे ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। जी फिजा, और आप सुनाए आप आगे क्या करने का इरादा है? मैं पता नहीं, पहले मैं अपनी क्लास में पास कर जाऊँ, मेरी टीचर सामने बैठी है, मैं तो स्टूडेंट में हूँ। आप पास हैं? वैसे आप मुझे ये बताएं कि ये अपनी क्लास में कैसी है? ये बड़ी ब्राइट स्टूडेंट है, लंबी तो है वैसे, यानी कि पढ़ाई में भी लंबी है। अच्छा, पढ़ाई में भी लंबी है, भाग भाग के पढ़ती है, बहुत अच्छी। अच्छा, यहाँ पे एक और टीचर तशरीफ रखती है, फातिमा, वो फातिमा है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैंने चेंज कर दी, फातिमा, वैसे भी मेरे ख्याल से सही स्लैंग टाइप कुछ है नाम का लेने में। बेसिकली वी आर बोथ फातिमास, इट्स द सेम स्पेलिंग्स but the surnames are different, she's Fatma Jahazeb and I'm Fatma Raya, so it's a slight confusion, usually we're known as Badi Fatma and Choti Fatma and we don't really like that, we sternly tell our students not to call us Badi Fatma and Choti Fatma, we always tell them call us by our surnames. And we have other names too, yeah, it's Fatma and Fatima, Fatima. So you're one in American and one in British, so yeah. We have that.
नहीं करते दारोगिल कैंपस में करते हैं और कभी सिटी कैंपस में खुद से अपने स्पॉन्सर करके या कोई अच्छी अगर हमें दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे कभी कोई और स्पॉन्सर करे तो हम जरूर अपॉर्चुनिटी देते हैं. जैसे कल के मैच के लिए कोई इंतजाम है? नहीं कल के मैच के लिए नहीं किया था लेकिन लास्ट ईयर हमने एक दो मैचेस कंसेक्यूटिवली हमने स्क्रीन करवाए थे. मतलब स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्पॉन्सर करते हैं पर्सनल मतलब अपने उससे पॉकेट मनी से या सम हाउ दैट्स व्हाट दे नो बेटर. आई एम रियली नॉट आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्टी हैं वो आपसे अगर कोई वेल मास कम्युनिकेशन के बच्चे हमारे फिलहाल जो इस वक्त जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट के आगे पास बैठे हैं दे वेरी ब्रेनी ट्रस्ट मी ऑन दिस राइट. सो इफ यू जज देम ऑन देयर थ्योरीज और ऑन देयर वर्क दे रियली ब्रेनी बट आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट देयर स्पोर्टी एक्टिविटीज बिकॉज अपॉर्चुनिटी बेचारों को थोड़ी तरह कम मिलती है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा रिटन कम्युनिकेशन में काम किताबी लिहाज से तो देखे ना ये ब्रेनी हो सकते हैं मगर आज यहाँ पर जब से आगे बैठे हैं यहाँ पर अभी हम यहाँ पे टेम्पररी कैंपस है हमारा जो परमानेंट कैंपस है तारोगिल वी हैव बिग फील्ड्स वी हैव बिग ग्राउंड्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी हम क्लासेस ही करा सकते हैं. अभी हम ऐसी कोई स्पोर्टी एक्टिविटीज या ऐसी कोई क्रिकेट के वाले से फुटबॉल के वाले से इतना करा नहीं सकते बट हमारे क्लब्स हैं फुटबॉल क्लब्स हमारी बीएनयू की टीम बहुत दफा क्रिकेट में कप भी जीती हुई है फुटबॉल का कप भी जीती हुई है. सो दैट्स समथिंग यू शुड नो एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. लेकिन वंस विल शिफ्ट we have grounds we have facilities to wahan pe I'm sure we have a better future inshallah. Acha vijay ji main aapko ye aapse puchna chah raha tha ki kal ke match ki timing kya hai aur kya uski taiyariyan kya hain. मैं आपको सारी डिटेल दूंगी मगर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले आप नहीं हम लोग हमने जाना है हमारी तो हमने हांडी पकानी है हांडी पकानी है घर जाके मासून बल्कि इसने मुझे घर जाके फेंटी बूंदी पकानी है. सतराज हां जी सतराज जी इनसे दो डब्बे पकड़ ले देंगे. कौन से? मेरी बात यहाँ पर तो लड़ाई शुरू हो गई. जिंदगी में सारी जिंदगी तूने मुझे दही के डब्बों पे जलील करवाया. नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ हमारे ही यहाँ पर मॉर्निंग शो के सेट पर होने वाला है. जाइए आप देख रहे हैं ये बैठ. आपको पता है ये इस तरह से मिल सकता है आपको कि आपने मुझे एक छोटा सा जवाब देना है फेसबुक पे सुबह के फिजा फैन पेज पे लाइक कीजिए और जाकर वहाँ पे अपने बयाना जो है रिकॉर्ड कराइए. ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर सिर्फ येस और नो का ऑप्शन है. हम वहाँ पे कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा. उसके बाद ये डायमंड्स आर फॉरएवर ये जो है ये आपको मिल जाएगा बैट. ये हीरो जवाहरात वाला बैट जो आपको मिल जाएगा. एक कॉल हमारे साथ से लेना चाहूंगी. अदाब अर्ज है कौन है जी? ड्रॉप कॉल ही ड्रॉप हो गई जी. अच्छा फिर बातचीत का सिलसिला जरा शुरू करते हैं यहाँ पर. आप बच्चियाँ जरा बताइए कि स्पोर्ट्स में कौन सा गेम बहुत ज्यादा पसंद है? कोई जी कोर्स क्रिकेट. ऑफ कोर्स क्रिकेट. आप क्रिकेट? आप क्रिकेट ही है क्योंकि फुटबॉल नॉर्मली लड़कों की गेम होती है लड़कियां नॉर्मली ज्यादा क्रिकेट ही पसंद करती हैं. अच्छा क्रिकेट ज्यादा है तो लड़कों वाले गेम वैसे भी आप जीत लेती हैं आपकी टीचर भूल गई हैं. ये देखिए अब जिस तरह विमेन्स क्रिकेट टीम जो लड़कियों की थी उन्होंने इंडिया को हराया. हाँ तो इसलिए फिर हम लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट इसी तरफ ज्यादा है क्योंकि लड़की अगर लड़के नहीं कर सकते तो लड़कियाँ कर लेती हैं. When it comes to watching, I like to watch cricket. But when it comes to playing, I like to play American football. Oh, lovely. Khelti hai waise aap normally? Aap? I like wrestling. मुझे नहीं समझ आया क्या wrestling. Oh, अच्छा. भाई पहले तो ड्रिप चढ़वाना पड़ता होगा आपको. मतलब आपकी सेहत के साथ अच्छा खासा मार्च हो रहा है वो गेम. मतलब सही जा रही है भाई सही जा रही है. It's good, it's entertaining. है पास करके It's good, it's entertaining. कभी किए किसी से रेसलिंग कुश्ती? आ जाए जी मैदान में. नहीं 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 ये नहीं हो रहा. आइए जी आइए. वायलेंस को एंटरटेनिंग आपने कह दिया आज हमारी देखने वाली जहाँ नजर क्या सीखेगी बहन मेरी. चलो जी मोबाइल अंदर रखो. डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ जी कुश्ती.
भाई मुझे सपोर्ट करना, आप अपनी स्टूडेंट को सपोर्ट करना, आ जाओ जी कैसे करते हैं सिखा दो, लड़ो ये। यहाँ पे ड्रिप की जरूरत है पहले, मुझे भी आपको भी दोनों जाके चढ़वा लेंगे, पहले अच्छी खासी ट्रिप चढ़वाएंगे फिर जाके लड़ेंगे। अच्छा उसके अलावा आप बताइए क्या स्पोर्ट्स? क्रिकेट। क्रिकेट ही? आप? I like cricket. क्रिकेट आप? I like cricket. एक दूसरे पे डाली जा रही है बात बस। और आप कोई तो बैडमिंटन कहते हैं, किसी का दुपट्टा लटका के कोई यू नो बैडमिंटन खेलता नहीं, बट आई फील बैड कि हम हॉकी को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई हॉकी नहीं देखता, तो वी शुड ऑल सपोर्ट हॉकी इन अ वे। क्या तो हमारा नेशनल गेम है यार, वाकई इसको तो डिस्कस ही नहीं किया जाता, उसको तो बात ही नहीं की जाती। नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, नेशनल क्रेज जो है वो क्रिकेट है, सही कह रही हूँ जी मैं? बिल्कुल। अच्छा इंडिया को जिस तरह से हमारी औरतों की क्रिकेट टीम ने हराया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो बात ही नहीं की आपने। आई थिंक डे बाय डे हमारी विमेन टीम जो है वो भी अच्छी होती जा रही है। लास्ट टाइम में एक टूर्नामेंट विन करके आए जब पाकिस्तान टीम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर थी, लेकिन हमारी विमेन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब इट्स अ ब्राइट फ्यूचर देयर, अगर लड़कियां इस गेम को भी चूज करें मतलब करियर बनाने के लिए तो अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के पास। अच्छा लेकिन कल हमारी ये भी डिस्कशन हो रही थी कि जो उनका पे स्केल है फीमेल क्रिकेटर का, जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना कम है कि आपका सर्वाइवल करना उसको फुल टाइम जॉब नहीं बना सकते। दैट थिंग एक्चुअली रिलेट्स टू द कमर्शियल साइड, बिकॉज जो मैन क्रिकेट है उसमें मोर कंपनीज दे आर इन्वॉल्व्ड और उन पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत होती हैं और टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा, इवेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। सो वो आईसीसी का भी तो होता है ना कि उन्हें भी कुछ उनकी रैंकिंग्स में आते हैं। एग्जैक्टली एट टाइम मतलब ये किसी की अवेयरनेस में नहीं थी बात कि मतलब लड़कियों की भी टीम बन रही है और लड़कियां भी खेल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बनती नजर आ रही है और उसका एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो सून इंशाल्लाह जितनी एक्साइटमेंट हमें यहाँ पे मैन क्रिकेट देखने में होती है और साथ पूरा पूरी कंट्री इन्वॉल्व होती है जी, आपने जो एक ड्रामा किया था महबूब किसी निजी चैनल के लिए, तो मैंने खावर साहब के लिए किया था, खावर साहब का था और आई प्लेड एज लाइक क्रिकेटर इन इट, आई हैड पैशन कैरेक्टर को पैशन था क्रिकेट का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्राउंड में जाके मैंने बाकायदा महबूब के बारे में बात हो रही थी कि खावर साहब ने वो अयूब खावर साहब ने किया था प्रोड्यूस भी और डायरेक्ट भी। मेरे फेवरेट डायरेक्टर अयूब खावर साहब, इज अ वंडरफुल पर्सन। अरे आपको बड़ी एक बड़ी मजे की बात बताई की बात काटी सॉरी, उनकी भी किताब लॉन्च होने वाली है। ओह रियली? जब वो यहाँ पे लॉन्च करेंगे आपने खास आना है। जी बिल्कुल, पूरा ड्रामा भी है इसमें, डॉक्यू ड्रामा भी है, सब कुछ है। वो लिखते बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत सारे प्लेस के टाइटल्स लिखे और गाने लिखे और वो मैंने देखे और सुने भी हैं और प्लेस भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे किए। He's a wonderful personality और लिखने तो आपको जब उन्होंने एज ए क्रिकेटर परफॉर्म करवाया मैंने देखा है, क्योंकि उनके साथ काम भी किया मैंने, भूषण सारी जी की स्क्रिप्ट थी तो वो हमेशा जो भी कैरेक्टर होता है उसको उसके कैरेक्टर में आके बच्चों की तरह समझा रहे होते हैं, बच्चा कैरेक्टर तो बच्चा exactly. बड़ा है तो बड़ा, तो वो क्रिकेटर में क्या बनते थे, वो क्या करते थे, आपको क्या समझाया? एक्चुअली फिजा इस तरह की मेरा जो अपना फैमिली बैकग्राउंड है, वी आर मोर ऑफ पीपल, हमारे खानदान में इमरान खान साहब दे आर रिलेटेड टू आवर फैमिली और ये चीज बाय ब्लड हमारे अंदर है क्रिकेट का जो एक एलिमेंट आया जी। सो जब ग्राउंड में गए वो सारी चीजें शूट करने के लिए जो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था जी, तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेल रहा था उस ग्राउंड में जी, एंड व्हेन द बॉलर्स दे बोल्ड मी और उन लोगों ने बॉलिंग की तो मैंने उनको बहुत अच्छा खेला, दे वर ऑल सो सरप्राइज कि आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं और विदाउट हेलमेट आप विकेट पे आगे खड़े हो, फास्ट बॉलर्स जो है बॉलिंग कर रहे हैं आप। मैंने कहा बॉल से डर नहीं लगता और ये कॉन्फिडेंस शुरू से है। आज भी मैं आई गो टू दिस क्लब प्रिंस न्यू प्रिंस जिमखाना विच इज़ वन ऑफ आर ओल्डेस्ट क्लब देयर, मेरे घर के पास है और मैं उसके सरप्रस्ट में से एक हूँ क्योंकि आज जो जनरेशन हमारी बड़ी हो रही है, मेरा अपना बेटा जाता है वहाँ खेलने के लिए मेरे साथ, हम दोनों बाप बेटा जाते हैं नेट करने के लिए। दिल है कि बेटा स्पोर्ट्स में आए क्रिकेट या आई वुड लव टू मैं उसको ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराता हूँ और
उसको भी बहुत शौक है क्रिकेट का भी, फुटबॉल का भी. और अभी रिसेंटली मुझसे आस्क मी दैट क्वेश्चन कि बाबा हमारे मुल्क में फुटबॉल का क्रिकेट क्या है. मैंने कहा यार फीफा दे आर जस्ट स्टार्टेड अप और अभी बहुत सारे ग्राउंड्स बने हैं पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल में भी, फुटबॉल के लिए भी. और हमारी एक टीम क्रिएट हो चुकी है और जितने बड़े इवेंट्स आते हैं फुटबॉल के मैचेस आते हैं उसमें वो लोग जाते हैं एशियंस लेवल पे. और सून इंशाल्लाह हम लोग, हमारी पाकिस्तान टीम फुटबॉल की भी उस लेवल पे आएगी कि हम जैसे प्रीमियर लीग देखते हैं फुटबॉल की जो सबसे बड़ी प्रीमियर लीग है, फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है तो इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ परफॉर्म करती नजर आएगी इंशाल्लाह. इसी बात के साथ अगेन ब्रेक के लिए आपको भेज रही हूँ, मगर वक्त से पहले दोबारा बताती चलूँ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का तीसरा लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ आज हमारे मॉर्निंग शो पे होने जा रहा है. जो जो लोग खुश नसीब होंगे उनके नाम आज अनाउंस होंगे, तो जाइएगा कहीं नहीं, रहिएगा हमारे साथ. छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का तीसरा लकी ड्रॉ हमारे सेट पर होने जा रहा है आज. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताती चलूं कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने मायार, अपने जायके के लिहाज से अगर देखा जाए तो इतना बेहतरीन है कि इससे फ्रेश और इससे ताज़ा आला क्वालिटी का जो दूध है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत बेहतरीन किसानों से जो है लिया जाता है. और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस योगर्ट की तैयारी के जितने भी मराहल हैं उन पर हाइजेनिक टेस्ट जो है वो बड़े आला मेयार के रखे जाते हैं, ताकि ये आपकी सेहत के लिए भी उतना ही मुफीद हो जितना कि ये मज़ेदार है. तो आप कहीं से भी, किसी भी आउटलेट से अगर आप ये नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी ख़रीदेंगे तो आप उसका सेम मयार और सेम टेस्ट जो है आपको दस्तियाब होगा. ये सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि आपको देता है अपने चाहने वालों को बहुत सारे इनामात. और आपको पता है इनामात में क्या क्या है, मैं अभी दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि लकी ड्रॉ का जो है वो टाइम हो गया, क्योंकि लकी ड्रॉ उसी का हिस्सा है. 10 जो है वो फ्यूल वाउचर्स है जिनकी मालियत जो है, एक फ्यूल वाउचर की मालियत है 5,000 रुपये. तो वो अभी हम शुरू करते हैं, पहले हम उसका ज़रा नाम किस खुश नसीब का निकलवाऊंगी. निकालिए मैं जी, मगर पहले 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 घुमा ले ये. इसके साथ धागे भी भेजे, ये कोई तावीजी धागे लग रहे मुझे वैसे. हैं, पकड़ लीजिए आप जरा. नाम है इनका तनवीर नाज, मकान नंबर 23-2316/10, गली नंबर 3, मोहल्ला मोहम्मदी मुल्तान से. मोहम्मदी मुल्तान से तनवीर नाज साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. और दूसरा, और दूसरा साहब ने अपना कोई नाम नहीं लिखा हुआ इस एनवेलप के ऊपर. अंदर खोल के देख लें, आईडी कार्ड में होगा. अच्छा, स्टूडेंट्स वन बाय वन आ जाओ, आपने भी निकाल के इमरान के हाथ में. जी ये मोहम्मद शेफ साहब हैं और इनका एड्रेस, हाँ ये लिखा हुआ है. कहां से? सिर्फ कहां से? मुल्तान. ये मुल्तान से. क्या बात है, मुल्तान वालों को बहुत बहुत मुबारक हो. आप लकी हैं मुल्तान वालों की. हाँ, मेरा एक्चुअली ननिहाल मुल्तान का. जी ये बुशरा, ब्लॉक नंबर 5 स्ट्रीट 4, चीचा वतनी से, चीचा वतनी साहिवाल से. बुशरा है, बुशरा जी. हाँ, चीचावती से तालियां होनी चाहिए जी. चीचावती जी ये
हैं नाजिश शफीक हाउस नंबर E279B A और बोल्टन लाहौर वालों का भी मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत ये 10 हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा अब म्यूजिक तो बजाइए ये पांचवा किसका नाम निकलता है जी ये है परवीन अख्तर और सादकाबाद मजिस्ट्रेट कॉलोनी रावलपिंडी से तालियां अब ये छठा नाम किसका निकलता है आइए जी परवीन अख्तर और ये भी रावलपिंडी से तालियां जी अच्छा ये परवीन अख्तर की दो एंट्रीज नहीं पहले कोई पहले भी परवीन अख्तर थी really? नाम पूरा पढ़े एड्रेस देखें खोलिए खोलिए ये पिंडी है और वो भी पिंडी है दो दो भेजनी है उन्होंने दो दो भेजनी है वो तो मैंने कहा था जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके अभी उनका लक निकला है भाई कोई बात नहीं हो सकता है सेम है इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि जितनी ज्यादा एंट्रीज उतनी ज्यादा जीतने के मौके अभी भी वक्त है आप जो है कोई भी अपने कोई भी पर्सन अपना नाम पता शनाख्ती कार्ड टेलीफोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 पर रवाना कीजिए और जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके कोई बात नहीं जी आपके सामने मिसाल होगी एक ही बंदी जो है वो दो बार जीत चुकी है आ जाओ बेटा मैंने तो किया है मगर निकला नहीं अभी तक मतलब मैंने इतनी ज्यादा एंट्रीज नहीं की आज एक और एंट्री करूंगी मुझे वो दुबई के रिटर्न टिकट चाहिए मैं और फवाद जाएंगे इंशाल्लाह कुछ कहा नहीं तुमने इनके साथ एक सफर करने का एक्सपीरियंस हुआ था सिर्फ कह नहीं रहे मॉरिशस याद है या इट वाज वंडरफुल लव सो जी ये जुनैद और सेक्टर I-10/1 इस्लामाबाद जुनैद नदीम नाम है जुनैद नदीम ये लीजिए जी अब किसकी किस्मत है आ जाओ बच्चे जो नहीं आया आ जाओ भाई ये तो आजादी है उनको सफेद रंग वैसी पीस का रंग है बड़ा अब्दुल सत्तार डीजी खान से अब्दुल सत्तार ओके अच्छा अब है आइए लड़ लो जी हमारी भाई इतनी खूबसूरत एम माजिद G-10/3 इस्लामाबाद तालियां नाउ द लास्ट वन इज अच्छा जी ये लास्ट है ये दसवां है ना हाँ जी भाई ठीक है जी सरवत साहब है ये आसिफ ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन म्यूजिक बंद करना पड़ेगा नाम जरा बता दे नाम क्या दोबारा सरवत नाम है कहाँ से और इलामा इकबाल टाउन लाहौर ओह तालियां जी तालियां अब हम किसके नाम निकाल रहे हैं अब हम निकालेंगे जनरेटर के लिए क्योंकि लाइट जो है वो जाना शुरू हो गई है आपने भी नाम डाला होता तो नहीं अब तो काफी बेहतर हो गया है हाँ हालात तो बेहतर हो गए जब से मैचेस मतलब फिर भी मैचेस हो रहे हैं T20 हो रहा है इसलिए लाइट नहीं जा रहा है लाइट नहीं जा रही थैंक्स टू T20 किसका निकल रहा है मोहम्मद रमजान साहब हैं ओए ये भी मुल्तान से हैं ओ तालियां जी आज मुल्तान वाले नंबर ले गए मुल्तान वालों की किस्मत तो जाग गई है आज मुझे लगता है अब किसका हम निकाल रहे हैं गिफ्ट बास्केट के लिए निकाल रहे हैं ठीक बल्कि LCD के लिए निकालते हैं क्योंकि T20 की बात की अभी इमरान ने तो T20 LCD में देखेंगे फाइनल तो बड़ा मजा आएगा जी ये लीजिए ओके आप निकाल सब
कह रहे हैं कि अंदर से निकाल के लाते हैं। सबसे बड़ा हिसाब तो कर रहे ना आप पूरा, देखे ना। हाली रोड लतीफाबाद से बाकिर साहब हैं, हैदराबाद। तालियां हैदराबाद। एलसीजी मुबारक हो जी आपको। अब है गिफ्ट बास्केट, ठीक है। कितनी गिफ्ट बास्केट्स दे रहे हैं जी, पता है कुछ? एक इतना ही खुश होना कि फ्यूल वाउचर्स हमने 10 दे दिए तो गिफ्ट बास्केट भी इतनी सारी। एक बाबर अली जी ने किसका नाम निकाला है जी? शगुफ्ता शाहीन है जी, सरगोधा से। तालियां जी, तालियां। अच्छा अब ये जरा मैं कहूंगी आप घुमाइए, क्योंकि ये दुबई का रिटर्न टिकट है। really? दो बंदूक का मतलब समझे, एक को मिलेगा तो उसके साथ दूसरा भी मिलेगा। अब जिसका भी नसीब, म्यूजिक तो बजाए, अब यही तो बजना था, इधर ही तो बजना था म्यूजिक। Keep rolling, 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 keep rolling, rolling, rolling. ये मेरे ख्याल से दो टीचर से निकलवाते हैं। हाँ प्लीज निकल। नहीं टीचर कहाँ है? पढ़वाते उनसे निकाले आप। आहा, और ये कौन सी टीचर पढ़ेंगी हमारी? आ जाए जी टीचर। वो कोरस नहीं होता था जैसे बेंजामिन सिस्टर्स पढ़ती थी, दिनों की मुसाफत। वैसे ना कोरस में आपने नाम अनाउंस करना है, सिंग कर लीजिए। ये मोहम्मद हनीफ, और ये कहाँ से हैं? सिंग नहीं हुआ, दोबारा अनाउंस करना पड़ेगा। एक साथ सिंग होना चाहिए नाम, कोरस में बोलना है। किस शहर से? शहर ही गुम हो गया भैया। सरगोधा। सरगोधा। अब सिंग कीजिए, सिंग करके नाम लीजिए। मोहम्मद हनीफ फ्रॉम सरगोधा। लाइए ये तो मुझे दीजिए। इनको लगवाते हैं हम कॉल, और अभी वक्त हुआ चाहता है कि आपको हम भेजे एक छोटे से वक्फे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लकी ड्रॉ हुआ, जो जो खुश नसीब लोग थे उनके नाम निकले, उनके लिए बहुत बहुत तालियां, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से आप सबके नाम निकले। आप इंजॉय कीजिए अपनी एलसीडी, जनरेटर, फ्यूल वाउचर्स, और एक वक्फे के बाद जो है यहाँ पर हमारे साथ इमरान अरूज मौजूद है, तो वो आपको एक बड़ा जज्बे वाला गाना सुनाने वाले हैं। कि चैनल तो वैसे भी कोई स्विच नहीं करेगा, क्योंकि इतने खूबसूरत पर्सनैलिटीज जब हमारे सामने खड़ी होती हैं तो कोई भी नहीं जाता हमारे चैनल से। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं आ गए वापस आ गए भाई। जिनका नाम निकला है ना, ये दुबई का रिटर्न टिकट हमारे साथ है कॉल पे, हनीफ साहब। तो बात करना चाहूंगी आदाब अर्ज है जी। जी हेलो जी, जी कैसे हैं हनीफ साहब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद हनीफ साहब। आप खैर मुबारक जी। खुशी हुई सुना अभी टीवी पे देखा? मैं टीवी से अभी उठ के आ रहा हूँ, मुझे वो मैंने सुना ना टीवी पे देखा, तो मैंने फिर क्या भाई अभी हो सकता है कॉल आ जाए, मैं फिर घर से दुकान पे आ गया हूँ। आपने कितनी एंट्रीज भेजी थी? जैसे मैंने कहा था ना जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके, तो आपने कितनी एंट्रीज भेजी थी? मेरी तकरीबन एंट्री कोई 15-20 के करीब एंट्री थी। 15-20? हाँ जी। तो आप वाकई में डिजर्व करते थे, हकदार थे आप, आपको सही मिला है बिल्कुल। अच्छा आप किसको अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे? दुबई का रिटर्न टिकट मिला है आपको, तो किसको साथ लेके जाएंगे? बस अब घर प्रोग्राम बनाएंगे, हो सकता है वाइफ को साथ ले जाएं। तो घूमने फिरने जाएंगे या कोई अपने कारोबारी काम के लिए जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल मिशन प्रोग्राम तो हमारा ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं पहले सऊदी रह के आया था ना, तो इंशाल्लाह हो सकता है इधर का भी गिज़र्ट कर लें। अच्छा नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आपका ये इनाम दिया है? वो तो जी खुशी की बात है, जैसे वो कहेंगे वैसे कर लेंगे कोई। अच्छा जी इमरान उरूज यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, वो आपको मुबारकबाद देना चाह रहे हैं जी। बात कीजिए इमरान उरूज साहब से। हनीफ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक, खैर से जाएं और खूब इंजॉय करें इस ट्रिप को।
आपको इस कंपनी ने जो इनाम दिया है, की बात है, असल बात है, ये नसीबों की बात होती है जी, आदमी कहाँ होता है, नसीब कहाँ चले जाते हैं। चलें जी, अब आपके नसीब आपको ले जा रहे हैं दुबई, और इंजॉय करें, हैव अ गुड ट्रिप विद योर फैमिली। क्या बोली चाहिए, क्या बोली चाहिए। अब वक्त हुआ जाता है कि मैं सबको खुदाफिस करूं, सबसे ज्यादा थैंक्स और खुदाफिस आपको, क्योंकि आपने पूरा वीक पिछला मेरा साथ दिया, इस बार भी आप हमारे साथ हैं, और आपका साथ ही था कि हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंच गए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के साथ की वजह से, आपकी कॉल्स की वजह से, और इनामात के लिए आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने फेसबुक पे जाकर अपने कमेंट्स जो है रिकॉर्ड कराने। ऑल्सो आप नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के बारे में बता सकते हैं, अगर कुछ समझ ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपने एंट्री करनी है, जो कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में भी बोल रही होती हूँ, मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि कोई भी अपनी दो सील्स नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की आपने अपने नाम, पते, शिनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ PO Box 6288 पर रवाना करना है। जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके होंगे, और प्राइजेस सबको पता है, ग्रैंड प्राइज तो आज जैसे निकला है किसी का, तो देख लें हनी साहब आप इतने खुश नसीब हो, तो अब किसी की और बारी आने वाली है, अब अगले बुध देखते हैं किसका नाम निकलता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया बावनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उरूज थैंक यू, आपने तो हमारे सेट पे चार चांद लगा दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फातिमा, 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 थैंक यू, स्वीट ऑफ यू। आप लोग को वरना मैं एक बाल्टी मंगवा ली थी ठंडे पानी की, वो ऐसे फेंकने वाली थी कि मैंने कहा आज BNU के स्टूडेंट्स को जो है ना मैं ठीक करके जगा के भेजूंगी है। अब वक्त हुआ चाहता है गाने का, जो बड़ा जज्बा वाला गाना आज आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो अजय जी अपना ख्याल रखिए, जीते और जीतते रहिए, कल मुलाकात करेंगे जी। थैंक यू मेरी जान, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा, है जज्बा जुनून हो तो हिम्मत ना हार, जिस्त जूझो करे पहचान, कभी ना भूलो सबकी।